मॉड्यूल टू जीरो फाइव कॉजिज ऑफ एनोरेक्सिया नोसा बायोलॉजिकल सो ना वी विल डिस्कस दोज काजेस विच कैन काज द एनोरेक्सिया नवोसा बायोलॉजिकल काजिज़ के अंदर हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर है देन ब्रेन स्ट्रक्चर है नीरो ट्रांसमीटर है जेंडर है टाइप वन डायबिटीज़ है अब बेसिकली जो जेनेटिक फैक्टर है हमें पता है कि मोस्ट ऑफ़ द डिजीज के अंदर ये एक मेजर रोल प्ले करता है सो इट हैज़ बीन एक्सप्लेन के ऐसा एडोलेसेंस uh, जिसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसके जो रिलेटिव्स हैं उसमें ऑलमोस्ट फोर टू फाइव टाइम्स जो हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा होने के या ईटिंग डिसऑर्डर्स होने के इसके साथ साथ ऐसे uh, कुछ स्टडीज ऐसे भी एक्सप्लेन करती हैं कि एटलीस्ट एलेवन टाइम्स ज़्यादा आ, रिस्क होता है इन लोगों के अंदर आ, जिनकी फैमिली के अंदर आ, जो है ईटिंग डिसऑर्डर रन कर रहे होते हैं इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जिनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर होता है उनकी फैमिलीज के अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की हिस्ट्री भी देखने में आई है सो जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो एक रीज़न हो सकते हैं अनोरेक्सिया नर्वोसा को डेवलप करने के देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर सो so, जब हम ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें जो लेटरल हाइपोथलमस है वो इन्वॉल्व होता है ईटिंग बिहेवियर के अंदर रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि अगर उस एरिया को स्टिमुलेट किया जाए तो जो रैट्स हैं वो ईटिंग बिहेवियर उनका स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोरेक्सिया के पेशेंट हैं उनके अंदर माइट बी जो लेटरल हाइपोथा है उसकी जो स्टिमुलेशन है वो लो हो इसके साथ साथ Uh, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और जो टेम्पोरल uh, कॉर्टेक्स uh, है वो भी रोल प्ले करते हैं एनोरेक्सिया नवोसा के अंदर एंड हाउ डू दे प्लेट द रोल जो आपका टेम्पोरल कॉर्टेक्स है वो परसेप्शन ऑफ बॉडी इमेज के साथ जो है वो रेलिवेंट है तो अगर उसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो एनोरेक्सिया नवोसा है वो डेवलप हो सके क्योंकि एनोरेक्सिया नरवोसा में हमें ये बात पता है कि जो बॉडी परसेप्शन है वो डिस्टॉर्टेड है देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोटर न्यूरो ट्रांसमीटर्स में जो सेरेटोनिन लेवल है वो इन लोगों के अंदर लो होता है अब वो लो होता है डेफिनेटली वी नो के जो सेरेटोनिन लेवल है वो आपके इमोशंस को भी रेगुलेट करता है आपकी एपीटाइट को भी रेगुलेट करता है इसके साथ साथ वो डिफरेंट नॉर एपिनफिन और डोपामिन के भी लेवल्स को रेगुलेट करता है तो इट मे पॉसिबल कि जो एनोरेक्सी नर्वोसा के पेशेंट होते हैं उनका जो सेरेटोनिन लेवल है वो लो है ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनको जब एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं तो वी कैन सी कि जो इनका बॉडी जो इनका रेस्पॉन्स है टूवर्ड्स द मेडिकेशन वो बेटर होता है और इनका जो वेट लॉस है उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने में आई है उसके साथ साथ इनका मूड भी बेटर होता है Then we will talk about उट देंडर जेंडरली ये कहा जाता है कि ये zyada ज्यादातर females में है ठीक है और जो males हैं उसके अंदर इसकी prevalence बहुत कम है और ऐसे males जिनकी sexual orientation जो है वो homosexuality की तरफ है उनके अंदर ये देखा गया है कि वो दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर बॉडी शेप एंड अबाउट देयर वेट सो so, उनके अंदर एनोरेक्सिया नवोसा के कुछ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं देन वी विल टॉक अबाउट टाइप वन डायबिटीज़ अब जो टाइप वन डायबिटीज़ है उसके अंदर ये देखा गया है कि ऐसी अडोसन गर्ल्स ख़ास तौर पर Uh, जो कि इंसुलिन लेती हैं दे यूजुअली स्किप द इंसुलिन ठीक है और उसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर जो है वो चली जाती हैं अब मेनली हम ये नहीं कह सकते कि जो डायबिटीज़ है वो कॉज करता है एनोरेक्सिया uh, को या ईटिंग डिसऑर्डर को इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि अगर कोई शख्स है जिसको टाइप वन डायबिटीज़ हो गई है और उसके साथ साथ ही Uh, उसके अंदर प्रीडिसपोजिशन एग्जिस्ट कर रही है फॉर ईटिंग डिसऑर्डर तो वहाँ पर इसका ऑनसेट जो है वो हो सकता है सो दीज आर द बायोलॉजिकल कॉजेज विच यू नीड टू बी कंसिडर वाइल टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट थैंक यू